श्रद्धेय इंदिरा हृदय जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में उनका मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी, छोटे भाई के रूप में मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी, तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और अभी भी चार दिन पहले ही मेरी फ़ोन में बात हुई थी कई कोविड के मुद्दों पर, और इस बीच में ये कह सकता हूँ कि इस एक डेढ़ महीने के अंदर मेरी 10-12 बार उनसे फ़ोन में, 2 बार वर्चुअल में, जब सर्वदलीय बैठक मैंने बुलाई थी कोविड के समय, उस समय जुड़ना, और उनके जो सुझाव थे वो प्रदेश के हित में और कोविड के तहत। सर, इंदिरा जी के बहुत सारे सपने थे, खासतौर से हल्द्वानी आइस बेटी की बात की जाए, क्या उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रयास? इंदिरा जी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, और वो भुलाया नहीं जा सकता है, और उनके जो अधूरे काम होंगे निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे।